कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते आ रहे हैं कि किस प्रकार से जो कि शहर में परिस्थिति है कि किसी भी संदिग्ध कोरोना व्यक्ति का जो है इलाज अस्पतालों में नहीं किया जा रहा है। प्रशासन ने भी इसके लिए जो है नोटिस जारी कर दिया है अस्पतालों के लिए भी कि यदि प्राथमिक उपचार नहीं किया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में एक और जो है महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि जिस प्रकार से अभी भी ये शिकायतें लगातार हमें फ़ोन कॉल्स में आ रही है, मुझे भी आती रहती है कि लोगों को अब भी जो है उपचार नहीं दिया जा रहा है, उन्हें जो है अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में प्रशासन ने इनके ऊपर निगरानी रखने के लिए, इनके ऊपर अंकुश रखने के लिए एक अहम कदम उठाया है। प्रशासन ने सभी अस्पतालों में जहां पर जो है मरीजों को लेके जाते हैं और वहां पर जो है उन्हें भर्ती नहीं किया जाता, तो प्रशासन जो है गुप्त तरीके से इनके ऊपर नज़र रख रही है। किसी भी वक्त इन्हें ट्रेस किया जा सकता है, किसी भी वक्त किसी भी अस्पताल में जो है अगर ऐसा मामला सामने आ जाता है जो कि प्रशासन गुप्त तरीके से इसको जानने की कोशिश कर रही है, तो उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसके बारे में अधिक जानकारी हमने ली, आइए सुनते हैं। पहले तो मैं सभी डॉक्टरों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस महामारी में उन्होंने जहाँ कहीं भी हो ये कोरोना को प्रभाव रोकने के लिए हर एक मरीज को दवा दी है। रह गई बात कि प्रशासन ने 15 तारीख को जो नोटिस निकाला था कि सभी अस्पतालों में कोविड के मरीज के साथ में दूसरे मरीज जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको भी वहाँ पे दवा उपचार उनका इलाज होना चाहिए, तो उस तहत हमने सभी डॉक्टरों से एक जूम मीटिंग पे बात भी की थी और वहाँ पे उन्होंने कहा था कि अब इस समय जो कोरोना की महामारी है तो उस समय पॉजिटिव और सिम्टोमेटिक में निगेटिव कौन ये समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए कोविड टेस्ट करना ज़रूरी है और कोविड टेस्ट के बाद ही उस पेशेंट को कोविड पॉजिटिव निगेटिव के द्वारा हम लोग उसका इलाज करेंगे। मगर आज जो ये भयभीत स्थिति है कि अगर किसी को थोड़ा बुखार भी आता है, अगर कोविड का वो टेस्ट करता है और टेस्ट में अगर वो पॉजिटिव आता है तो पहले वो जो मरीज है वो चाहता है कि मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, ताकि उसको पहले हॉस्पिटल में भर्ती होना नहीं है, उसको पूरी तरह से समझ लेना है कि तुमको सिम्टोमेटिक में तुमको सिम्टम्स क्या है। मगर अभी जैसे आपने मुझे कहा कि कोई डॉक्टर्स अभी सहकार नहीं कर रहे, आपको बताना चाहता हूँ कि कई अस्पतालों में इस मरीजों की सेवा करते करते कई अस्पतालों के लोग भी पॉजिटिव हो गए, उनके कारण हमारे उल्लासनगर के कई अस्पताल भी कुछ दिन तक बंद रहे। मगर अभी सभी डॉक्टर और स्टाफ ने उनके ठान लिए कि इस कोरोना के महामारी के लिए हम लोग को भी आगे आना है और उसी तरह एशियन हॉस्पिटल, वेंकटेश हॉस्पिटल, मैक्स लाइफ, मीरा हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल अभी आगे आ चुके हैं और वो लोग भी अभी इस शहर में अभी सभी का इलाज करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। बाकी जो अस्पताल है या बाकी जो डॉक्टर्स है उनका कुछ निजी कारण और उनके कुछ शारीरिक समस्या, जैसे कि कुछ डॉक्टर को पहले से कुछ बीमारी है जैसे हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़ है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो इस बीमारी में होने के कारण आगे मरीजों का इलाज करने के लिए कतरा रहे। मगर मुझे यकीन है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में सारे हॉस्पिटल इन मरीजों के लिए खुले हो जाएंगे और सभी की सेवा होगी। होम क्वारंटाइन का बीच में फॉर्म भरने की प्रक्रिया की थी मगर आयुक्त ने होम क्वारंटाइन के लिए मनाही कर दिया था, क्योंकि होम क्वारंटाइन में जो रूल्स है, जो कोविड के जो रूल्स है वो फॉलो नहीं हो पा रहे थे। एक आदमी एक रूम में 10 दिन के लिए अपने आप में उसने सबसे अलगीकरण करके सबसे दूर रहना है, मगर वही आदमी अगर घर में सब जगह पर घूमेगा तो बाकी लोगों को भी पॉजिटिव कर रहा है और उसके ऊपर देख रेख के लिए कोई आदमी नहीं है, तो इसीलिए होम क्वारंटाइन के जगह हमने बोला था कि उस आदमी को हमारे क्वारंटाइन सेंटर जो कोविड केयर सेंटर के बाद में भी जो हमारे जो अलगीकरण केंद्र है टाटा आमंत्रा है जैसे हमारे पास जो केंद्र है वहाँ पे उनको रहना चाहिए। मगर अभी लोगों का ऐसा दावा है कि अभी लोगों में भी अवेयरनेस आ गया है, मगर कहाँ पे अगर जगह है जिनके घर बड़े बड़े है अगर वो अलग से उनका बाथरूम टॉयलेट अगर यूज करेंगे, अगर वो होम क्वारंटाइन करेंगे तो उसके लिए जो हमारी महानगर पालिका का जो फॉर्म है वो फॉर्म फिलअप करके अगर वो अपलोड भी कर देंगे तो भी हमें पता चलेगा। मगर आज कोविड टेस्ट के बाद में किसी का फॉर्म भर के देने के लिए कोई आदमी हमारा महानगर पालिका का उसके घर पे नहीं जा सकता। जून को यह अध्यादेश निकाला गया था जो कि कल परसों वायरल हुआ है, मगर उसमें
साफ कहा गया कि आप अगर मेडिकल रूल्स अगर फॉलो नहीं करेंगे तो उसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई होगी। मगर मैंने जैसे अभी आपको बताया कि कुछ कुछ डॉक्टरों का निजी मामला होने से वो कतरा रहे, मगर मैं आज आप लोगों के माध्यम से सभी डॉक्टरों को विनंती करता हूँ कि आप अपने अपने इलाके में, अपने अपने एरिया में जो अपना अस्पताल चला रहे हो वो उसी लोगों के कारण चला रहे हो जिस वजह से आपका भी अस्पताल चलता है। तो आज उनके ऊपर जो इलाके के लोगों के ऊपर जो आज ये कोरोना का संकट आया है, तो आप डॉक्टर, आप भगवान का रूप हो, तो आप प्लीज़ अपना अस्पताल चालू रखिए और इन मरीजों का इलाज कीजिए। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बात।